Good morning, students. I am Sonal Yadav and lecturer at Bharati College. Today's our topic is different types of key switches, part 2 in computer troubleshooting and maintenance diploma fifth sem CSE. तो इसके पिछले वीडियो में हम देखे थे कि different types of key switches में जो कीबोर्ड में कीज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनका वर्क क्या है. तो इसमें कुछ स्विच या कुछ कीज हम देखे थे और कुछ जो है वो बाकी है. तो उसको हम आज देखते हैं कि कौन कौन से कीज में कौन कौन सा वर्क होता है कीबोर्ड में. इंडिकेटर लाइट. एन इंडिकेटर इज अ लाइट और एलईडी दैट प्रॉम्प्ट्स द यूजर टू द स्टेटस ऑफ अ हार्डवेयर डिवाइस. द पिक्चर शोज द थ्री इंडिकेटर एलईडीज ऑन द कीबोर्ड. दिस लाइट shows whether or not the num lock, caps lock, scroll lock are enable or disable. तो हम देखते हैं कि indicator lights क्या क्या होते हैं और indicator lights में कौन कौन से keys होते हैं. ठीक है, तो indicator lights में तो हमारे keyboard में right side में थ्री टाइप की इंडिकेटर लाइट्स होती है, नम लॉक, कैप्स लॉक एंड स्क्रॉल लॉक. तो हम देखते हैं कि इस जो इंडिकेटर लाइट्स है उसका वर्क क्या होता है कीबोर्ड में. तो इसमें जो है वो तीन लाइट्स होते हैं. जो फर्स्ट होता है वो नम लॉक को इंडिकेट करता है एंड सेकंड जो लाइट्स होता है वो कैप्स लॉक को इंडिकेट करता है एंड थर्ड जो होता है वो स्क्रॉल लॉक होता है और वो स्क्रॉल लॉक को इंडिकेट करता है. तो हम देखते हैं कि ये जो लाइट्स हैं वो क्या वर्क करती हैं और किसके थ्रू इंडिकेट करती है. ठीक है, तो इंडिकेटर लाइट में थ्री टाइप की ही लाइट होती है. ठीक है, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक. तो जब कीबोर्ड में पहली लाइट जो है वो जलती है तो उसका मतलब है कि नम लॉक मीन्स न्यूमेरिक कीपैड जो है वो स्टार्ट हो गया है. और यदि ये बंद है ये फर्स्ट वाला, ठीक है, नम लॉक मीन्स होता है न्यूमेरिक कीपैड. अगर ये जो लाइट्स है वो बंद है, फर्स्ट वाला जो लाइट है वो बंद है, तो इसका मतलब है कि ये जो नम लॉक और जो न्यूमेरिक कीपैड है वो बंद है. ठीक है, मीन्स अगर ये लाइट जो फर्स्ट वाला लाइट है वो चालू है नम लॉक का, तभी जाके ये जो न्यूमेरिक कीपैड है ये वर्क करेगा. और अगर ये लाइट जो है वो ऑफ है तो ये न्यूमेरिक कीपैड वर्क नहीं करेगा. ठीक है, तो इसका वर्क यही होता है कि ये जो कीज हैं इसे कैलकुलेटर कीज भी कहा जाता है. ठीक है, तो अगर ये फर्स्ट वाली लाइट चालू है तो ये इंडिकेट कर रही है कि नम लॉक जो है वो स्टार्ट है. तो इस ये जो कीज हैं जो कैलकुलेटर कीज हैं उनसे हम वर्क कर सकते हैं, मीन्स वो कीज जो है वो स्टार्ट है. तो फर्स्ट वाला जो कीज होता है वो नम लॉक को इंडिकेट करता है, मीन्स न्यूमेरिक कीपैड को. अगर वो लाइट ऑन है मीन्स जो न्यूमेरिक कीपैड है वो स्टार्ट है. अगर वो लाइट ऑफ है तो नम लॉक जो है वो में ये जो कीज है वो काम नहीं करेंगी. अब नेक्स्ट देखते हैं कैप्स लॉक. सेकेंड है कैप्स लॉक. व्हेन यू प्रेस द कैप्स लॉक की टाइप अपर केस लेटर्स कंटिन्यूसली विदाउट हैविंग टू प्रेस द शिफ्ट की एट द सेम टाइम टू गो बैक टू टाइपिंग लोअर केस लेटर. प्रेस द कैप्स लॉक की अगेन. तो कीबोर्ड में जो सेकेंड इंडिकेटर लाइट्स होती है वो होती है कैप्स लॉक. ठीक है, जब कीबोर्ड में अगर सेकेंड जो लाइट है इंडिकेटर लाइट अगर वो ऑन है उसका मतलब है कि कैप्स लॉक ऑन है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि लेटर्स के अपर केस और लोअर केस की इंडिकेट करती है और जब ये बंद होती है तो लेटर जो है वो लोअर केस में ही टाइप होती है और अगर ये चालू है तो लेटर जो है वो अपर केस में होती है. अपर केस मीन्स होता है कैपिटल लेटर और लोअर केस मीन्स होता है स्मॉल लेटर. ठीक है, अल्फाबेट की. तो अगर ये इंडिकेटर लाइट में जो सेकंड लाइट चालू है इसका मतलब है कि कैप्स लॉक ऑन है और इसमें जो हम अल्फाबेट टाइप करेंगे वो अपर केस में ही टाइप होगी और अगर वो लाइट्स ऑफ है तो लोअर केस में
टाइप होगी। तो हम देख लेते हैं कि कैप्स लॉक क्या होता है। जब हम कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को टाइप करते हैं, यानी कोई अल्फाबेट टाइप करते हैं, अपर केस मीन्स होता है कैपिटल लेटर में टाइप, ठीक है। अगर हम कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं और अगर वो अगर उसको हमको कैपिटल लेटर में टाइप करना है, उसका मतलब होता है अपर केस। तो कीबोर्ड में कैप्स लॉक करके ये यहाँ पर कीबोर्ड में ये कैप्स लॉक करके इसके कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में एक कैप्स लॉक बटन होता है, उसको हम प्रेस करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम कोई भी वर्ड टाइप करते हैं तो टेक्स्ट जो है वो अपर केस में ही टाइप होते हैं, और जैसे ही हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा इंडिकेटर लाइट्स होता है, जो सेकंड नंबर का इंडिकेटर लाइट है, वो ऑन हो जाता है। उसका मतलब है कि ये जो कैप्स लॉक है वो ऑन है, मीन्स यहाँ पे जो हम कैप्स लॉक कीज है उसको हम यहाँ पे प्रेस कर दिए हैं, ठीक है। और टेक्स्ट जो है वो अपर केस में टाइप होते हैं अगर ये कैप्स लॉक ऑन है तो, और यदि कैप्स लॉक को हम ऑफ कर देते हैं, मीन्स इस कीज को ऑफ कर देते हैं, तो की को ऑफ करने के बाद जो सारे टेक्स्ट हैं, वर्ड जो हैं, वो स्मॉल लेटर में टाइप होने लगते हैं, तो उसे लोअर केस कहा जाता है। मीन्स जो लेटर्स हैं, जो अल्फाबेट्स हैं, वो स्मॉल लेटर में टाइप होना स्टार्ट हो जाते हैं। और यदि हमको लोअर केस वर्ड से अपर केस में कन्वर्ट करना है तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, इस कैप्स लॉक को ऑन करना पड़ता है। तो हम जैसे ही कैप्स लॉक को ऑन करते हैं तो ये जो इंडिकेटर लाइट्स है वो सेकंड वाला लाइट जो है वो ऑन हो जाता है। इसका मतलब जो है वो हम टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो जो वर्ड्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, वो सारे जो है वो अपर केस में टाइप होना स्टार्ट हो जाते हैं, मीन्स कैपिटल लेटर में टाइप होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये कैप्स लॉक को हम ऑफ कर देते हैं तो सारे लेटर जो है वो ऑटोमेटिक लोअर केस में टाइप होना स्टार्ट हो जाते हैं, मीन्स स्मॉल लेटर में, और ये जो इंडिकेटर लाइट्स होता है वो ऑफ हो जाता है, ठीक है। अब हम थर्ड देखते हैं, स्क्रॉल लॉक। जो थर्ड टाइप ऑफ इंडिकेटर लाइट्स है वो है स्क्रॉल लॉक। इन द पास्ट व्हेन स्क्रॉल लॉक वॉज सेलेक्टेड, प्रेसिंग द एरो की resulted in scrolling through a page of text rather than moving the cursor line by line. Third type of indicator lights is scroll lock. ठीक है, तो ये जो third है scroll lock, ये जैसे ही इंडिकेटर लाइट में ये थर्ड टाइप होता है और इसको अगर हम ऑन करते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि स्क्रॉलिंग के बारे में, मीन्स अगर जैसे ही अगर हमको स्क्रॉल करना है तो हमको इस इंडिकेटर लाइट को ऑन करना होता है, और जिससे कि स्क्रॉलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अगर हमको स्क्रॉल करना है तो ये थर्ड टाइप ऑफ इंडिकेटर लाइट है स्क्रॉल लॉक, वो स्क्रॉलिंग को इंडिकेट करती है। तो अगर जब हमको स्क्रॉल करना है कोई भी, अगर हम डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई वर्क कर रहे हैं तो अगर हमको स्क्रॉल करना है तो ये थर्ड टाइप ऑफ इंडिकेटर लाइट है उसको हमको ऑन करना होता है, जिससे कि स्क्रॉलिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो इंडिकेटर लाइट्स हैं ये एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती हैं, ठीक है। नाम लॉक, कैप्स लॉक एंड स्क्रॉल लॉक, मीन्स इसमें अगर हमको कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है तो हमको ये इंडिकेटर लाइट को ऑन करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे कि हमको ये कैलकुलेटर कीपैड है, मीन्स न्यूमेरिक कीपैड है, अगर हमको इसमें वर्क करना है तो हमको नाम लॉक को ऑन करना होता है, जिससे कि ये स्टार्ट हो, इसमें जो वर्क है या ये कीज़ हैं वो स्टार्ट हो जाती है। और यदि हमको कोई अगर हमको कोई टाइपिंग करना है अपर केस में तो उसके लिए हमको यहाँ पे जो सेकंड टाइप ऑफ इंडिकेटर लाइट्स है वो हम ऑन करते हैं तो जो हमारा लेटर है वो अपर केस में टाइप होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही हम इस कैप्स लॉक कीज को ऑफ कर देते हैं तो ये इंडिकेटर लाइट भी ऑफ हो जाता है और जो लेटर्स हैं वो लोअर केस में टाइप होना स्टार्ट हो जाते हैं। और स्क्रॉल लॉक क्या होता है कि अगर हमको स्क्रॉलिंग करनी है तो उसके लिए यहाँ पे स्क्रॉल लॉक को
स्टार्ट करते हैं और जैसे ही इसको ऑफ कर देते हैं तो स्क्रॉलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। तो ये जो इंडिकेटर्स लाइट होते हैं वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं और स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इन इंडिकेटर्स लाइट का यूज किया जाता है। ये जो प्रिंट स्क्रीन होते हैं, ये प्रिंट स्क्रीन की ये जो है वो कीबोर्ड के राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं और इसमें जो है वो बहुत सारे कीज होते हैं, प्रिंट स्क्रीन, कंट्रोल, टैब, इंसर्ट, होम, पेज अप, पेज डाउन एंड और डिलीट। तो इन सभी कीज को कंट्रोल कीज कहा जाता है, ठीक है। तो जो प्रिंट स्क्रीन है, प्रिंट स्क्रीन कीज है, उसका वर्क क्या होता है हम यहाँ पे देखते हैं। इस कीज का यूज जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन की इमेज को कैप्चर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इस कीज की हेल्प से हम किसी भी डॉक्यूमेंट से या फिर जो हमारे स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट यानी पिक्चर को हम कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स इस प्रिंट स्क्रीन से अगर हम अपने सिस्टम में कोई भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट है तो अगर उसका हमको स्क्रीनशॉट लेना है तो हम प्रिंट स्क्रीन के थ्रू स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मीन्स इसका यूज जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन की पिक्चर को कैप्चर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट की है ESC की। इट इज यूज टू इंटरप्ट और कैंसिल द करंट प्रोसेस। ESC की इज द फुल फॉर्म ऑफ द स्कैप की। अब हम देखते हैं ESC कीज। जो ESC कीज होते हैं वो कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड के कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ESC की का फुल फॉर्म होता है स्कैप की। हम देखते हैं इसका यूज क्या होता है। इस की का यूज किसी भी टास्क को स्कीप करने या सडनली उसको कैंसिल करने के लिए किया जाता है और जैसे ही हम स्कैप की इसको जो है वो हम ESC की को स्कैप ESCAPE स्कैप की के नाम से भी जानते हैं और ये जो है वो कीबोर्ड के सबसे लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका बेसिकली यूज क्या होता है कि अगर कोई हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, मीन्स कोई प्रोग्राम स्टार्ट है और हमको उसको सडनली स्किप करना है या उसको कैंसिल करना है तो उसके लिए ESC की का यूज किया जाता है जिससे कि वो जो प्रोग्राम या टास्क है वो कैंसिल हो जाता है। तो अगर हमको सडनली उसको स्किप करना है या कैंसिल करना है तो ESC की इसका यूज किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है स्कैप की। तो ये थे हमारे कीबोर्ड के फंक्शंस, मीन्स कीबोर्ड की जो कीज होते हैं उसमें कौन कौन सा कीज कौन सा टास्क परफॉर्म करता है ये हम आज देखे यहाँ पे, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड से राइट साइड तक में कौन कौन सा कीज कौन सा वर्क परफॉर्म करता है ये हम यहाँ पे देखे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यूजेस ऑफ कीबोर्ड। फर्स्ट यूजेस है, यूजर्स कैन टाइप द लेटर्स और नंबर्स यूजिंग द कीबोर्ड। ऑल्सो सम स्पेशल कमांड्स कैन बी डन यूजिंग द कीबोर्ड। Only with the keyboard can be input data. Keyboard को use करके जो user है अगर उसको कोई letter या number type करना है तो keyboard को use करके user जो है वो letter या number type कर सकते हैं और यदि कोई special task perform करना है keyboard से तो उसके लिए special command देना पड़ता है। और ये जो keyboard है वो input डिवाइस होता है और इनपुट डेटा या फिर यूजर के थ्रू इनपुट देने का काम करता है। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द फंक्शन कैन बी परफॉर्म्ड बाय द कीबोर्ड विदाउट द हेल्प ऑफ द माउस, ठीक है। अगर हमको इनपुट डेटा देना है, ठीक है, यूजर के थ्रू अगर सिस्टम को इनपुट डेटा देना है, मीन्स अगर इनपुट देना है तो उससे क्या होता है कि विदाउट माउस के हेल्प से
हम कीबोर्ड में डायरेक्ट कभी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए हमको माउस की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। हम कीबोर्ड के थ्रू ही डेटा को इनपुट दे सकते हैं, मीन्स कीबोर्ड में सारे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू हमको अगर इनपुट देना है तो हम विदाउट हेल्प माउस हम कीबोर्ड को इनपुट दे सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट होता है। शॉर्टकट कीज आर यूज टू एक्सेस एनी फाइल्स फ्रॉम द सिस्टम सो दैट माउस यूज कैन बी अवॉइड। शॉर्टकट कीज़ को भी यूज़ करके कीबोर्ड में शॉर्टकट कीज़ को भी यूज़ करके कोई भी फाइल्स या फिर कोई भी सिस्टम में फाइल्स को या ओपन करना है या फिर हमको उसको क्लोज करना है या फिर उसमें हमको कोई टास्क परफॉर्म करना है तो कीबोर्ड के हेल्प से हम उसमें टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। मीन्स उसमें जो शॉर्टकट कीज़ होते हैं उसके थ्रू अगर हमको कोई टास्क परफॉर्म करना है तो वो टास्क को हम इजिली परफॉर्म ये एक्सेस कर सकते हैं विदाउट हेल्प माउस के। ठीक है, एंड नेक्स्ट है कंट्रोल की एंड एएससी की कैन बी यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द फंक्शंस फॉर वेरियस पर्पस। ठीक है, तो जो कंट्रोल कीज होता है माउस में सॉरी कीबोर्ड में कंट्रोल कीज और एएससी कीज ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कीज होते हैं जिसके हेल्प से हम वेरियस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। और ये जो है वो कंट्रोल कीज और एएससी कीज जो है वो जब हम कोई भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं तो ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कीज होते हैं। हमको कोई भी टास्क हम कोई भी पर्पज से अगर कोई वर्क कर रहे हैं तो उसको परफॉर्म करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कीज होते हैं जिसके थ्रू हम मल्टीपल या वेरियस पर्पज के थ्रू मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि कंट्रोल कीज के थ्रू अगर हमको कोई कॉपी करना है या फिर उसको पेस्ट करना है कट करना है तो उसके थ्रू हम मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। और एएससी कीज मीन्स अगर हमारे पास कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट है और हमको उसको सडनली स्किप करना है या फिर उसको कैंसिल करना है तो इसके थ्रू हम एएससी कीज के थ्रू हम इसको कैंसिल या इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट होता है कीबोर्ड का कि हम कीबोर्ड के थ्रू अगर किसी डेटा को अगर हमको इनपुट देना है, ठीक है, तो अगर हमको उस डेटा को इनपुट देना है तो हम विदाउट हेल्प माउस के हम उस डेटा को इनपुट दे सकते हैं। और यदि हमको कोई भी शॉर्टकट कीज परफॉर्म करना है कीबोर्ड के थ्रू, मीन्स अगर किसी फाइल को ओपन करना है कैंसिल करना है किसी फोल्डर को में कोई भी एक टास्क परफॉर्म करना है तो हम विदाउट हेल्प माउस के उस टास्क को ईजिली हम कीबोर्ड के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। तो कीबोर्ड जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सिस्टम में। और ये जो है वो इनपुट डिवाइस होता है और इसके थ्रू हम टाइप डेटा को टाइप कर सकते हैं। और ये जो है एक टाइपराइटर की तरह होता है, इसका यूज़ जो है वो सिस्टम में टाइप करने के लिए किया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ की स्विचेस पार्ट टू। इसके पिछले वीडियो में हम देखे थे कि डिफरेंट टाइप ऑफ की स्विचेस के पार्ट वन में कि कुछ कीज के फंक्शन के बारे में कि कौन सा कीज कौन सा टास्क परफॉर्म करता है। और आज हम उसमें आगे कीज देखे कि कौन सा जो कीज है वो क्या टास्क परफॉर्म करता है। तो एंड लास्ट में देखे यूजेस ऑफ कीबोर्ड कि कीबोर्ड का यूज क्या है। सो थैंक यू।